दोस्तों इन दिनों टीवी पर काफी तरह के रियलिटी शो आते हैं, जैसे कि म्यूजिक, कॉमेडी, डांस और टैलेंट से रिलेटेड। इन्हीं के बीच एक टीवी स्क्रीन पर नया शो दिखाया जा रहा है जो बिजनेस और इन्वेस्टर्स के साथ रिलेटेड है, शार्क टैंक इंडिया। इसी नाम से एक अमेरिकी रियलिटी शो भी है, उसी को देखते हुए ये इंडिया में भी लाया गया। अमेरिका में इस शो के 13 सीजन आ चुके हैं। ये शो कुछ बिजनेसमैन के इर्द गिर्द घूमता है। ये ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके सिर्फ एक आइडिया ने उन्हें पॉपुलर बनाया और उनके स्टार्टअप की वजह से उनको पहचान मिली। दोस्तों शो में बैठे हुए बिजनेसमैन को शार्क के नाम से जाना जाता है। इस रियलिटी शो में 7 ऐसे शार्क शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग एरिया में अपने स्टार्टअप को स्थापित किया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, फार्मा या फिर कुछ और। तो आइए आपको आज बताते हैं आखिर इस रियलिटी शो के 7 जज या फिर कहें शार्क कौन है। तो सबसे पहले बात करते हैं अश्नीर ग्रोवर की। अश्नीर ग्रोवर भारत पे के CEO और co-founder हैं। भारत पे एक फिनटेक कंपनी है जो इंडिया में छोटे बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी UPI पेमेंट्स के लिए QR कोड और स्वाइप मशीन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। MSME के लिए और भी सर्विसेज दी जाती है और छोटे व्यापारी को QR कोड जैसी सुविधाएं फ्री में दी जाती है। ये 7 लाख रुपए तक 3 से 12 महीने के लिए बिजनेस लोन भी देती है। अश्नीर ने यह कंपनी 2018 में बनाई थी। तो फ्रेंड्स दूसरे शार्क हैं अमन गुप्ता। अमन गुप्ता एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बोर्ड के को-फाउंडर हैं और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं। कंपनी को 2016 में अमन गुप्ता और समीर मेहता ने लॉन्च किया था। अमन का ब्रांड बोट, हेडफोन, स्पीकर और काफी सारे ऑडियो डिवाइसेज बनाता है। तो फ्रेंड्स तीसरे शार्क हैं अनुपम मित्तल। अनुपम मित्तल शादी.com के फाउंडर और CEO हैं और वो 25 सालों से पीपल ग्रुप से जुड़े हुए हैं। शादी.com एक ऑनलाइन शादी की वेबसाइट है जिसे 1997 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा अनुपम की कंपनी मकान.com है और मौज मोबाइल जैसे ऐप्स भी लॉन्च कर रहे हैं। मकान.com एक रियल स्टेट फर्म है जबकि मौज मोबाइल ऐप्स और सर्विसेज के लिए मोबाइल कंटेंट प्लेटफॉर्म है। चौथे शार्क हैं गजल अलग। गजल अलग मामा अर्थ के को फाउंडर और इनोवेशन ऑफिसर हैं। गजल ने 2016 में कंपनी की स्थापना की और ये प्राकृतिक रूप से बालों की देखभाल, शरीर की देखभाल और स्किन की देखभाल और बच्चों की देखभाल के प्रोडक्ट बेचती है। इस कंपनी को अपनी लाइन में सबसे तेजी से बढ़ते और टॉप ब्रांडों में माना जाता है। तो फ्रेंड्स अगले शार्क हैं नमिता थापर। नमिता थापर पुणे में स्थित एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की डायरेक्टर हैं। वो एक अमेरिकी कंपनी के साथ 6 साल के काम के बाद CFO के रूप में कंपनी में शामिल हुई थी। वो फार्मा कंपनी के इंडियन ऑपरेशंस को मैनेज करती है। अगले शार्क हैं पीयूष बंसल। पीयूष बंसल लेंसकार्ट के को-फाउंडर और CEO हैं। लेंसकार्ट एक IVR सेल कंपनी है जिसने ऑनलाइन स्पेस में कदम रखने से पहले ऑनलाइन स्पेस में एक तूफान खड़ा कर दिया था। अब इसके देश के 70 शहरों में स्टोर हैं और उन्होंने 2010 में अमित चौधरी और समित कपाही के साथ कंपनी की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स 7वें शार्क हैं वनीता सिंह। वनीता सिंह शुगर कॉस्मेटिक की CEO और को-फाउंडर हैं। वो जुलाई 2015 से कंपनी में जुड़ी हुई है और कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर इस कंपनी की इन्होंने स्थापना की। इसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बड़े इंडियन ब्रांड्स में से एक माना जाता है जो ज्यादातर विदेशी कंपनियों के साथ कंपटीशन करता है। उन्होंने 2012 में एक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म फैनबैक की को-फाउंडेशन भी की थी। तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे 7 शार्क जो इस शो में लोगों के आइडियाज को सुनते हैं और उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपकी इस शो के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।